नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना चिंगारी अकाउंट लॉग आउट करना चाहते हो तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि कैसे आप चिंगारी अकाउंट लॉग आउट कर सकते हो। तो गाइस, आप जैसे कि जानते हैं कि चिंगारी अकाउंट को आप लॉग आउट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको कहीं भी लॉग आउट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट आज हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप चिंगारी अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो चलिए वीडियो में बने रहे। मैं बाबुल झा, आप देख रहे हो मैं यूट्यूब चैनल हॉट टारगेट इन हिंदी। सब्सक्राइब करें हॉट टारगेट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप यहां से देख सकते हो कि आपको यहां पे कहीं भी लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस, चिंगारी अकाउंट को लॉग आउट करने के लिए आपको क्या कर लेना है, गाइस यहाँ से बैक चले आना है। तो गाइस, बैक आने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको गाइस क्या कर लेना है, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको गाइस क्या कर लेना है, ऐप्स टाइप कर लेना है। तो गाइस, जब आप ऐप्स टाइप कर लेते हो तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपको यहाँ पे ओनली ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से ओनली ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं वो सारे आ गए। तो आपको इसमें से चिंगारी ऐप को खोज लेना है। तो आपको गाइस क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है चिंगारी। तो गाइस, जब हम चिंगारी टाइप कर लेते हैं तो हमारे सामने चिंगारी ऐप आ जाता है। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आते हैं। तो गाइस, इसमें हमें क्या कर लेना है, इस ऐप का डेटा क्लियर कर देना है। डेटा क्लियर करने के लिए गाइस आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ से क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। तो क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चिंगारी ऐप का डेटा डिलीट कर लेते हो और आपका चिंगारी ऐप फिर से रिन्यू हो जाता है। तो गाइस, आपको हम यहाँ से इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने फिर से इसका नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस प्रकार से आप अपना चिंगारी अकाउंट लॉग आउट कर पाते हो। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बताए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।